110 मेगावाट क्षमता वाली शानन विद्युत परियोजना को पंजाब सरकार हिमाचल को देने के मूड में नजर नहीं आ रही। मंडी जिला के जोगिंदरनगर में स्थापित इस परियोजना का आज पंजाब के ऊर्जा एवं लोक निर्माण मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता रविंदर पाल भी मौजूद थे। उन्होंने अधिकारियों की टीम के साथ पूरे शानन प्रोजेक्ट का दौरा किया और यहाँ चल रही खामियों के बारे में जाना। इसके साथ ही उन्होंने खामियों और साथ ही अव्यवस्थाओं को जल्द पूरा करने का भरोसा दिलाया है। मीडिया कर्मियों से अनौपचारिक बातचीत में इस प्रोजेक्ट को हिमाचल सरकार को न देने का इशारा किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब पुनर्गठन के बाद 1966 में ये प्रोजेक्ट पंजाब के हिस्से में आया था और इससे हिमाचल व पंजाब को बिजली की सुरक्षा और सुविधा मिल रही है। पंजाब सरकार इस प्रोजेक्ट का संचालन और देखरेख कर रही है और आगे भी इसे अच्छी तरह से चलाएगी। हमारे किसानन पावर हाउस है जो पंजाब का है और वो बड़ी अच्छी सी 110 मेगावाट सप्लाई जो है जनरेशन जो है वो यहाँ से कर रहा है। सो हमने इसका आज दौरा किया है। हमारे एक्सियन साहब, एससी साहब, अजीत जी, हमारे सीनियर एक्सियन सतीश जी और पूरा स्टाफ जो यहाँ का है, हमने उनके साथ मीटिंग भी की है, उनकी समस्याएं भी सुनी हैं। तो इसको कुछ रेनोवेट करने की बात सामने आई थी। ज़्यादातर तो हमने ये देखिए रेनोवेट कर ही दिया है और कुछ उधर का जो है बिल्डिंग की प्रॉब्लम है वो हम जल्द जो सॉल्व करेंगे, पूरी करेंगे और हम इस प्रोजेक्ट को ये जो कर्नल बेटे ने 1932 में बनाया था, उस समय पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट हमें दिया था और आज बड़ी सफलतापूर्वक ये जो प्रोजेक्ट है हमारा चल रहा है। हम हर संभव कोशिश करेंगे कि इसको अच्छी तरह से चलाया जाए।